मेरा नाम सत्येंद्र कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है, मेरा भतीजा है जो कृष्ण राजपूत है, जो मेरी मार्केट है वहाँ बैठा था वो, उसको पुलिस वाला दरोगा जो है उसको घसीटते हुए ले गए थे पिटाई करते हुए। फिर चौकी में अंदर ले गए, उसकी पिटाई की है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, है और थूक भी चटवाया उससे, थूकवा के थूक चाट, अगर नहीं चाटेगा तो तेरी और पिटाई करेंगे। जब तक उसने थूक नहीं चाट लिया, जब तक उसकी पिटाई रुकी नहीं थी, आखिर उसने थूक चाटना ही पड़ा उसे। अच्छा, अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, वो हमको आश्वासन दे रही है पुलिस, 48 घंटे का समय दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो स्टाफ है उन्होंने उसके साथ जुर्म किया है, पांचों को सस्पेंड करना चाहिए, लाइन हाजिर होना चाहिए। किस किस से मिले हैं शिकायत करने के? हम बीएल वर्मा जी से मिले थे, बेबी रानी मौर्या से मिले थे, मंत्री जी हैं जो हैं, और तुम्हारे सांसद हैं, और सांसद जी हैं हमारे राजकुमार चहार जी उनसे, और हमारे पूर्व मंत्री जी के भतीजे जी हैं लवकुश चौधरी जी, उनसे भी मुलाकात की हमने। क्या रवैया रहा जब आप उनसे मिले शिकायत की तब? रवैया, पुलिस अपने एक्शन नहीं ले रही है, पुलिस उनको सस्पेंड नहीं कर रही है, कोई प्रशासन के सामने नेताओं की नहीं चल रही है। आगे का क्या रहेगा आपका, आगे क्या करेंगे? आगे हम ये करेंगे, हमने लोधी समाज की पंचायत बुलाई थी, है हमारी समाज ने हमको जो संदेश दिया है, अगर 48 घंटे के अंदर एक्शन नहीं होता है कुछ भी, पुलिस एक्शन नहीं लेती है, तो हम कमिश्नरी का घेराव करेंगे, शांतिपूर्वक धरना देंगे।